ईरान और इसराइल के बीच अब सीधी जंग की शुरुआत होने की पूरी संभावना है। ईरान ने अपनी आर्मी को एक्टिव कर लिया है, वही इसराइल भी चौकन्ना हो गया है। ईरान के पास मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी सेना है, मगर क्या ये सेना अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय देशों की सेना का मुकाबला कर सकती है? दोस्तों, ईरान और इसराइल पिछले 40 सालों से प्रॉक्सी वॉर लड़ते आ रहे हैं। कभी किसी देश ने एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं किया था, मगर इस बार इतिहास में पहली बार ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट अटैक किया है और इसराइल ने भी ईरान पर डायरेक्ट अटैक किया है, और अब इसके बहुत ही खतरनाक नतीजे सामने आने वाले हैं। जंग भी शुरू हो सकती है। ऐसे में आइए देखते हैं कि क्या ईरान इसराइल को सीधी टक्कर दे सकता है, कितनी ताकतवर है ईरान की सेना और इसराइल कितना ताकतवर है। ईरान के वो कौन से हथियार है जो इसराइल को भारी पड़ सकते हैं, और वो कौन कौन से देश है जो जंग में ईरान का साथ देंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की पिछले साल की रिसर्च के मुताबिक ईरान के पास मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 580,000 तो एक्टिव सैनिक है, जबकि 2,00,000 रिजर्व सैनिक है। यानी ईरान के पास कुल मिलाकर 780,000 सैनिक है। ईरान की आर्मी दो धड़ों में बंटकर काम करती है, जिसमें एक ट्रेडिशनल आर्मी जबकि दूसरा IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉप्स है। IRGC एक तरह से पूरी ईरानी आर्मी को कंट्रोल करती है और देश की सरहदों की हिफाजत इसी के जिम्मे है। IRGC में कुद्स फोर्स नाम से एक अलग आर्मी टुकड़ी है, जो पूरी ईरानी आर्मी में सबसे ज्यादा खतरनाक आर्मी टुकड़ी मानी जाती है। कुद्स फोर्स पूरे मिडल ईस्ट में प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप्स को हथियार पहुंचाना, उनको ट्रेनिंग देना और इसराइल के खिलाफ उनका खुला सपोर्ट करती है। इन प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप्स में लेबनान में हिजबुल्ला, यमन के हूती, गाजा में हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप और सीरिया और इराक के कई मिलिशिया ग्रुप्स शामिल है। ईरान के इन प्रॉक्सी ग्रुप्स में सबसे ताकतवर और भरोसेमंद ग्रुप हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला के पास 1,00,000 से ज्यादा सैनिक है, जो हर माहौल में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और 1,00,000 से ज्यादा रॉकेट्स है, जो सिर्फ इसराइल को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। ईरान के सिर्फ एक इशारे पर हिजबुल्ला इसराइल पर हमला कर सकता है। इसी वजह से इसराइल बिना वजह हिजबुल्ला से पंगा नहीं लेता। ईरान भले ही दिखने में कमजोर मुल्क नजर आता हो, मगर उसकी स्ट्रेटजी ने इसराइल की नींद उड़ा रखी है। इसराइल पूरे मिडल ईस्ट में 90% सिर्फ अकेले ईरान से डरता है, बाकी 10% में पूरे मुस्लिम मुल्क शामिल है। अमेरिका ने ईरान को कई तरह के प्रतिबंध लगाकर दबाया हुआ है। ईरान ना तो परमाणु हथियार बना सकता है, ना दूसरे देशों से हथियार खरीद सकता है, ना ही अपना तेल और गैस दूसरे देशों को बेच सकता है। इतना सब होने के बाद भी ईरान पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल का सबसे ताकतवर दुश्मन है। 1980 के बाद जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, तो ईरान पर शिया मेजोरिटी सरकार बनी और आयतुल्ला खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। आयतुल्ला खुमैनी ने आते ही अमेरिका और इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। आयतुल्ला खुमैनी इसराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहते थे, जिसके बाद से ही अमेरिका ने ईरान पर कई भारी भरकम प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान ना तो परमाणु हथियार बना सकता है, ना दूसरे देशों से आधुनिक हथियार खरीद सकता है, ना ही अपना तेल और गैस दूसरे देशों को बेच सकता है। इतने नुकसान के बाद भी ईरान ने कभी हार नहीं मानी। अपनी हिफाजत के लिए ईरान ने वो तरीका निकाल लिया जो कोई दूसरा देश नहीं कर पाया। ईरान ने अपने ही देश में हथियारों को बनाना शुरू कर दिया। आज ईरान अपने बलबूते पर बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन तैयार कर रहा है, बख्तरबंद वाहन और बड़े नौसैनिक जहाज भी खुद बनाता है। ईरान उत्तर कोरिया से कई छोटी सबमरीन खरीदता है। रशिया से ईरान की अच्छी खासी दोस्ती है, इसीलिए रशिया ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स खरीदता है और बदले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में ईरान की मदद करता है। रशिया मिडल ईस्ट पर कंट्रोल रखने के लिए ईरान को कई तरह के आधुनिक हथियार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह चीन भी
ईरान को कई तरह के हथियार बेचता है। अगर आप ईरान को कमजोर मुल्क समझते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी ताकतवर मिलिट्री पावर है, जबकि इसराइल 17वीं। ईरान के पास 551 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जबकि इसराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट है। ईरान की नेवी में 101 जहाज है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 67 जहाज है। नेचुरल रिसोर्सेज में ईरान इसराइल से बहुत आगे है। कच्चे तेल के मामले में ईरान दुनिया में 9वें स्थान पर है, जबकि इसराइल के पास ऐसा कोई रिसोर्स ही नहीं है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो 2500 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकती है। यानी इसराइल समेत पूरे मिडल ईस्ट में ईरान कहीं भी इन मिसाइलों से हमला कर सकता है। ईरानी वायुसेना के पास 780 लड़ाकू विमान है, F-5B जेट प्लेन, 60 F-5E टाइगर सेकंड, 108 जमीनी हमले वाले विमान, समुद्री हेलीकॉप्टर, 1500 से ज्यादा टैंक, 7000 तोपे, 200 गश्ती नाव, 21 युद्ध पोत, इन जैसे बहुत सारे हथियार ईरान के पास मौजूद है। ये तो वो हथियार है जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं, जबकि हर देश के पास कई ऐसे खुफिया घातक हथियार होते हैं जिनको वो उस वक्त बाहर निकालता है जब देश खतरे में पड़ जाता है। कई खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। ईरान और इसराइल के बीच जिस तरह के खतरनाक हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि इन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के साथ कौन कौन से देश खड़े होंगे। इसराइल के साथ तो अमेरिका, फ्रांस, कनाडा जैसे देश खड़े हो जाएंगे, जबकि ईरान के साथ पहले तो हमास, हिजबुल्ला, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद और इराक, सीरिया इसराइल को घेर लेंगे। इसके बाद अरब मुल्क ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे, जिनमें तुर्की, लेबनान, इराक, कतर, जॉर्डन, सीरिया जैसे देश शामिल है। हालांकि इजिप्ट और सऊदी अरब जैसे देश खुद का नुकसान ना हो जाए, इसीलिए अमेरिका के दबाव में चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहेंगे। इसके बाद भी अगर हालात और ज्यादा बिगड़े तो रूस और चीन ईरान की मदद के लिए जंग में कूद पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों मुल्क ही अमेरिका के खुले दुश्मन हैं और मिडल ईस्ट से अमेरिका के दबदबे को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए रूस और चीन ईरान को मजबूत करने में लगे हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कुछ हद तक पाकिस्तान भी इसराइल के खिलाफ ईरान का साथ दे सकता है। अब अगर ईरान और इसराइल में आमने सामने की जंग छिड़ जाती है तो वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंग होती है तो दोनों तरफ के बेकसूर लोगों का नुकसान होगा, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ईरान के बारे में अगर आपको जानना है, जैसे ईरान की पूरी हिस्ट्री आपको जाननी है, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, हम उस पर भी एक बहुत जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।